कर लेगी कॉल। हेलो, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? चले, शुक्र है इस बार आपने खुद से मेरी खैरियत पूछ ली। आई होप मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अभी तक सोई नहीं? लेट सोती हैं आप? नहीं, लेट तो नहीं सोती, लेकिन जल्दी भी नहीं सोती। मुझे आपका जवाब पसंद आया। अच्छा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी। जी बोलिए। क्या आप मुझसे मिल सकती हैं? जी, मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे मिलें, लेकिन घर पर नहीं, कहीं बाहर। और मैं ये भी चाहता हूँ कि ये बात आप अपने घर वालों को नहीं बताएं। लेकिन अली। अली ना, मुझे कोई जल्दी नहीं है जवाब। टेक योर टाइम। हाँ, जगह का भी सोच के रखना। मैं बाद में आपको कॉल करूंगा। खुदा हाफ़िज़। लेकिन अली। हेलो। जीब इंसान है, ना किसी की बात सुनता ना समझता है। मुझसे मिलो। क्या करूं? हाँ, आसिफ मैं पहुंच गई हूँ खैरियत से। हाँ, सब ठीक है, बस थक गई हूँ ऑब्वियसली। चलो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? हाफिज़। गॉड, इस घर का क्या हाल हुआ है। सारी चीज़ें फैली हुई है, कोई सलीका नहीं है, कोई ढंग नहीं है। दो नौकर हैं इस घर में कहने को। सारी चीज़ें उल्टी पुल्टी हुई हैं। इस कदर मट्टी। नूरी, नूरी, ये तुम लोगों ने सफाई की इस घर की? मेरे जाते ही तुमने सारे घर को तहस नहस करके रख दिया। ये देखो, ये क्या है? क्या है ये? क्या है? जवाब दो मुझे। बेगम साहिबा, करते तो हैं सफाई। ये सफाई की है तुमने? ये सफाई करते हैं, ये देखो, ये सफाई करते हैं। तुम लोगों को पैसे किस बात के मिल रहे हैं? सफाई ना करने के, काम ना करने के। आपे क्या हुआ? इतना गुस्सा किस बात का? अरे गुस्सा नहीं करूं तो क्या करूंगी? देखो शहजाद, इतनी मट्टी, ये लोग ये सफाई करते हैं। क्या हाल बना के रख दिया इस घर का। नूरी, तुम अंदर जाओ। धोती है शहजाद, ये सब कुछ कब तक चलेगा? क्या हाल बना के रखा हुआ है घर का। क्या हो गया हमारे घर को? अच्छा भला तो है घर, क्या हो गया? अच्छा भला है घर, इसको बोलते हैं अच्छा भला घर। शहजाद, ये सब कुछ नहीं चलेगा। इस घर की एक एक चीज तवज्जो मांगती है, टेंशन मांगती है। ये देखो, वो सोफे देखो, कितनी मट्टी है। क्यों नौकरों के हाथों हम इस घर को कब तक छोड़ के रखेंगे? नौकर अपने घर को अपना घर नहीं समझते। शहजाद, इस घर को एक औरत की जरूरत है जो इस घर को अपना घर समझे, उसको संवारे, सजाए। हाँ, तो आप भी तो एक औरत है ना, घर को संभालें, सजाएं। मैं तो साल में एक दफा आती हूँ इस घर में, मैंने कहाँ पूरी जिंदगी रहना है इस घर में। शहजाद, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम निकल आओ एनी से बाहर, भूल जाओ। वो एक हादसा था, ठीक है, उसकी जिंदगी इतनी लिखी थी अल्लाह ने। जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में, लेकिन तुम्हारे आगे अपनी बहुत जिंदगी पड़ी है, उसको बर्बाद नहीं करो। तो क्या करो फिर? शहजाद, घर बसाओ, शादी कर लो, कब तक अकेले रहोगे? अभी शहजाद, तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में है ही कौन? मम्मी पापा भी हमें छोड़ के चले गए। तुम मेरे इकलौते भाई हो, तुम्हें यूं अकेला रहते हुए देख के मुझे दुख होता है, मुझे अफसोस होता है कि तुम अकेले रह रहे हो। मुझे तो अपसेट ना करो, मैं बहुत दुखी होती हूँ तुम्हें यूं उस तरह देख के। प्लीज शादी कर लो। अच्छा ठीक है, पर प्लीज आप इस तरह मायूसी वाली बातें मत करें। आप इतने सालों के बाद आई हैं, आपको खुश करने के बजाय मैं आपको अपसेट कर रहा हूँ। हाँ, तो नहीं करो ना मुझे अपसेट। कोई अच्छी सी लड़की देखो और शादी कर लो, प्लीज। ओके, मान लेता हूँ आपकी बात। रियली? इस इसका मतलब है मैं तुम्हारे लिए लड़की देखना शुरू कर दूँ, तुम्हें कोई एतराज़ नहीं है? हाँ बेब, जो आपको ठीक लगता है आप वो करें। Really happy for you. I really am.